कहां थी तुम? तुमको कब से फोन कर रहे हैं हम लोग? कॉफी लोगे? पानी लोगे? पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीने बहुत क्रिटिकल होते हैं। गिरते वक्त शायद अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस के अराउंड। हम सब डॉक्टर स्मृति को बचा सकते थे, क्या उनके बच्चे को? मुश्किल डिसीजन था, लेकिन करना पड़ता है जीने के लिए। 233 केसेस में मैंने उन्हें असिस्ट किया है। मिसकैरेजेस तो होते रहते हैं, कितना आसान है दूसरे को दिलासा देना। ठीक उस तरह जब सवेरे एक बार में कोई बुरी खबर पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हमारी जिंदगी में भी कोई हादसा हो सकता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये कहावत कितनी झूठ है राहुल। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जूही, इस वक्त तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर स्मृति की दोस्त नहीं, वरना मुश्किल हो जाएगी। मैं ठीक हूँ राहुल, मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखने से लगता नहीं, अगर इस तरह तुम उनके सामने जाओगी तो वो सब समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अभी और कुछ बुरा नहीं होगा ना, हम लोग हैं ना। लेकिन राहुल, चलो। ऐसा क्यों हुआ राहुल? वाह, क्या सीन है ये। साड़ी बदली है ना? अच्छी लग रही है। गुड। ये जो तुम्हारा पति है ना, बहुत रोमांटिक है। लेकिन एक नंबर का बेवकूफ है। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ बैठकर किसी तीसरी की जिंदगी पे आंसू बहा रहा है। Oh God, he's hopeless man. I mean, God save him. Ouch. सब तुम्हारी वजह से। सब तुम। Good morning. क्यों? इस घर को छोड़ के सिर्फ तू ही जा सकती है क्या? और वैसे भी पुत्र, मेरी इस घर में ना जरूरत नहीं है। तू तो बड़ी समझदार हो गई है ना, सियानी भी हो गई है, तो मैं क्यों इस घर में दखल देने के लिए रहूं? मैं यहां सिर्फ स्मृति मैम के लिए आई थी। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं, मैं और दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैं चली गई थी। तेरे चले जाने से लोगों की जबान तो बंद नहीं हुई ना? अरे जिसे देखो तो हमारे घर में मुंह उठा के चला आता है, हमें बातें सुनाकर भी चला जाता है। ताई जी, हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया हम दोनों का, पागल हो गए हम दोनों पुत्र। वो औरत यहाँ आती है इस घर में और हमारे ही घर में आके हमारी बेइज्जती करती है, और हम लोग सुन लेते हैं, और वो सिर्फ इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस औरत से हमारा कोई लेने देना नहीं है। अरे लेकिन आप लोग बात किसकी कर रहे हैं? राहुल की माँ की बात कर रही हूँ मैं। तुझे पता है इस घर में आई थी और तेरे बारे में उसने क्या क्या कहा? और सिर्फ इसलिए सब बातें सुना रही थी क्योंकि तूने शादी नहीं की है, इसीलिए वो कभी भी आगे हमें बदनाम कर जाते हैं। जूही, तूने तो पुत्र बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं तो उसके लिए जोगन बन जाऊंगी, लेकिन हम लोगों के बारे में सोचा है तूने? हमारा क्या होगा? होगा क्या? लेकिन बेटा एक बात बताओ,
हमें अपनी जितनी जिंदगी जीनी थी ना, हम जी चुके हैं। पर एक बात याद रखना, जिस दिन तेरे घर में बेटी होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि माँ का दुख क्या होता है। देख जूही पुत्र, हमने कभी भी तुझे किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जहां तक दुनिया की बात रही तो तेरे चले जाने से उनकी जबान नहीं रुकेगी। हाँ, जबान रुकेगी तो सिर्फ तब जब तू शादी कर लेगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे रहने नहीं है यहाँ पे। जहाँ पे हमारी बेइज्जती हो वहां क्यों रहूं? मुझे सहना भी नहीं पड़ेगा और दुख भी नहीं होंगे मुझे। ताई जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आ सकती हूँ? अब इस वक्त कहाँ जा रही है तू? बस एक आखिरी बार, कोई सवाल मत पूछिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहेंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? जो सिमरन, मैं तुमसे नहीं, आंटी से मिलने आई। आंटी जूही, सच कहो, तुम सासुमा कहना चाहती हो ना? सासुमा कहना चाहती हो ना? लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। Get out of here. मैं आंटी से मिलकर ही जाऊंगी। Listen, you bloody... सिमरन, जूही मुझसे मिलने आई है। सासुमा, आप होश में है ना? आप जानती हैं आप क्या कह रही? मैं जानती हूं। आंटी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। सिमरन, सॉरी। मम्मी जी, आप ही ने तो कहा था ये बच्चलन है, फिर आप एक बच्चलन औरत से बात करेंगी? सिमरन, वैसे भी कहते हैं ना कि एक बीवी और एक दूसरी औरत एक जगह एक साथ में नहीं रह सकते। बैठो। आप मुझे इज्जत देना चाहती हैं? आपके हिसाब से तो मैं इसकी हकदार ही नहीं हूं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं, मैंने बहुत गलत किया। मेरी औकात और हैसियत भूलकर आपके बेटे से प्यार किया, और इसकी सजा भी मुझे ही मिली और आज तक मिल रही है। लेकिन मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि इन सब बातों में मेरे घर वालों को मत घसीटिए। मैंने आज तक ऐसा तो कुछ नहीं किया जिससे उनको मुझ पर नाज हो, लेकिन मेरी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जूही, हो सकता है कि उस वक्त मैंने उनसे कुछ ज्यादा ही कह दिया हो, लेकिन समझने की कोशिश करो। राहुल हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, उस वक्त जो मैंने सही समझा मैंने कह दिया। आपने बिल्कुल ठीक किया आंटी, मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। क्योंकि राहुल मेरा सब कुछ है, वो मेरा भगवान है, लेकिन मेरी बीजी और ताईजी मुझे देखकर जीती हैं। आप तो एक माँ है ना, एक माँ होकर किसी और की माँ की बेइज्जती कैसे कर सकती है? लेकिन आंटी, मुझे बस एक ही बात का अफसोस है कि आप भी मुझे समझ नहीं पाई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।